खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां क्षेत्र अधिकारी काशीपुर ने कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें सरकारी मालखाने और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। मालखाने में काफी कमियां पाई गईं, जिसको लेकर क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मालखाने में कमियां काफी हैं, माल व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया, पुराने माल का निस्तारण भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर SHO ने मालखाने मोर को निर्देशित किया है। एक अभियान के तहत कार्रवाई करेंगे, विशेष तौर पर साठ और लंबित वाहनों का निस्तारण गंभीरता के साथ किया जाएगा। वहीं जो पुराने इमारतें हैं उसके लिए SSP को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि बिल्डिंग की मरम्मत हो सके। इसके अलावा जो भी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। लंबित शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, और जो भी शिकायतें थाने में आ रही हैं उनका गंभीरता के साथ निस्तारण किया जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है, और इसमें अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, कुछ लेवल्स पे कमियां हैं, कुछ जैसे माल खाने के स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं, माल थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है, और पुराने मालों को आइडेंटिफाई करके उनका निस्तारण करने में भी अभी बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे द्वारा इनको SHO जसपुर और मालखाना मोहर को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करेंगे, और जो भी प्रतिदिन इसकी समीक्षा SHO करेंगे कि प्रतिदिन इन मालों को निस्तारित करने में क्या प्रगति लाई जा रही है, विशेषकर से जो साठ एक्साइज के और जो लंबित वाहन है इनको निस्तारित प्रायोरिटी पे करेंगे। इसके अलावा जो थाने का ओवरऑल रख रखाव है, इसमें जो पुरानी हमारी कंडेम बिल्डिंग है उसके बारे में भी कप्तान साहब को रिपोर्ट भेजी जाएगी।